नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में नई ट्रेन को लेकर के रेलवे मंत्रालय की तरफ से जो नई तरकीब अपनाई जा रही है। नई ट्रेन नहीं देंगे लेकिन पुराने से ही कमाई करेंगे और मुनाफा कमाएंगे, और इसी पर हम दिखाएंगे कि स्लीपर को हटाकर कैसे थर्ड एसी बोगी को बढ़ाने का खेल रेलवे कर रहा है। और ये पता है रेलवे को कि कुछ रूट्स पे जो है वो ट्रेनें वो बहुत लोकप्रिय हैं, और उन ट्रेनों का विकल्प देने की बजाय उन ट्रेनों में ही जो है वो मुनाफे का खेल हो रहा है। और ये खेल शुरू किया है बिहार संपर्क क्रांति और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में। और रेलवे ने जो ताज़ा अधिसूचना जारी की है उसके मुताबिक इन दोनों ट्रेनों के शयनयान कोच के बदले थर्ड एसी टियर का संयोजन किया जाएगा, यानी कि कुछ स्लीपर बोगी को हटा दिया जाएगा और उसकी जगह थर्ड एसी लगाया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी की बात कर लेते हैं, जिसमें एक शयनयान को हटा करके यानी स्लीपर को हटा करके थर्ड एसी बोगी लगाया जाएगा, यानी कि यहां पर थर्ड एसी से फायदा होता है रेलवे को, इसलिए रेलवे जो है थर्ड एसी बोगी लगाकर इसकी कमाई करेगा। वहीं बिहार संपर्क क्रांति की बात कर लेते हैं, उसमें दो शयनयान लगाया जाएगा, दो शयनयान हटा करके दो थर्ड एसी बोगी लगाई जाएगी, यानी इसमें ज्यादा मुनाफा है इसलिए इसमें दो लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात हो गई। और देखिए ये कब से शुरू होगा, स्वतंत्रता सेनानी 22/5 यानी 22 मई से ये शुरू होगा नई दिल्ली से 23/5 से, और बिहार संपर्क जो है उसमें ये व्यवस्था होगी 22 मई से, और फिर नई दिल्ली से जब चलेगी तो ये 23 मई से। तो ये मई में ये व्यवस्था जो है मई से चालू होगी, लेकिन अभी से अधिसूचना जारी कर दी गई है कि तैयार हो जाइए, ये चीज़ होने जा रहा है, ये खेल होने जा रहा है। और इस खेल के जरिए आप रेलवे का मामला समझिए कि रूट अवेलेबल है नई ट्रेन के लिए, छोटा और कमाऊ रास्ता है, लेकिन उस रास्ते को अपना नहीं रहा है रेलवे, और जो ट्रेन है उसी में व्यवस्था को चेंज कर रहा है। और ये देखिए रूट क्या अवेलेबल है हमारे पास, दरभंगा से अगर सीतामढ़ी का रूट है, रक्सौल नरकटियागंज का रूट है वाया गोरखपुर होते हुए, ये रूट बहुत छोटा है और ये कमाऊ रास्ता है, रेलवे को इससे बेनिफिट हो सकता है, बहुत फायदा हो सकता है, लोगों को भी फायदा हो सकता है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं है। दिल्ली का छोटा और कमाऊ रास्ता व्यर्थ है यहाँ पर अमान परिवर्तन के बाद से, यहाँ से नहीं दरभंगा से भी ट्रेन दी जा सकती है, झंझारपुर से भी ट्रेन दी जा सकती है और जयनगर से भी ट्रेन दी जा सकती है। ये पहले प्रीवियस रूट था, ये जयनगर झंझारपुर का रूट था, लेकिन इन तीनों रूट को दरकिनार करते हुए जो मौजूदा ही ट्रेन है उसी में ये व्यवस्था की जा रही है कि भीड़ को संभालने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो स्लीपर को हटा करके थर्ड एसी लगाया जा रहा है। और अब आपको हम मैप के जरिए समझाते हैं कि ट्रेन कैसे छीनी जा रही है, क्योंकि ट्रेन भी छीनी जा रही है लगातार, और जो ट्रेन अनाउंस थी वो भी नहीं दी गई। दरभंगा से अजमेर एक ट्रेन थी वो अब तक नहीं चली है, जबकि ये बजट में पास हो चुका था, 5 साल हो गए ये ट्रेन नहीं चली, अब तक इसका इंतजार है लोगों। अब बात कर लेते हैं सिकंदराबाद से एक ट्रेन चली थी दरभंगा से, वो सिकंदराबाद से जो ट्रेन चलती है दरभंगा की वो बहुत मुनाफा दे रही थी, लेकिन उसको स्पेशल में कन्वर्ट कर दिया गया और आज तक स्पेशल ही चल रही। इसके अलावा जो है गुवाहाटी के लिए जीवछ लिंक एक्सप्रेस वो भी बंद कर दिया गया है, न्यू जलपाईगुड़ी के लिए जो सीतामढ़ी से चलती थी वो भी ट्रेन बंद हो गई है। कुल मिलाकर के ट्रेनें बंद हो गई और अब बिहार संपर्क क्रांति और स्वतंत्रता सेनानी पर रेलवे की नज़र है, और इससे फायदा जो है मिल रहा है, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा और फायदा लेने के लिए उसमें स्लीपर बोगी हटा करके थर्ड एसी लगाया जा रहा है। ठीक है थर्ड एसी लगाया जा रहा है, फायदा उठाइए, लेकिन जो ट्रेन का रूट है पहले से चल रही थी अभी उसको जो है उस पर क्यों जा रहा है, उसको क्यों छोड़ दिया गया है, क्यों बंद किया जा रहा है, क्यों बाकी रास्ते को क्यों तलाशा जा रहा है, ये अहम सवाल है जो बिहार के लोग या स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि आखिर जो है वो ये किस तरह की तरकीब के बजाय नए रूट्स जो अवेलेबल हैं छोटे रूट्स का वो ज़्यादा कमाऊ रूट्स हैं उनका फ़ायदा क्यों नहीं रेलवे उठा रहा है, और बिहार को नई ट्रेन नहीं देना और पुराने से ही मुनाफे कमाने की जो ये नई तरकीब या नया खेल जो रेलवे कर रहा है आखिर इसका अंत कब है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।